हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भैया एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको एक ऐसे व्यापारी से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। कभी दिन की 10-20-100 शर्ट बेचते थे और आज की डेट के अंदर दिन की हज़ारों शर्ट्स बेच देते हैं। और भैया इतना बड़ा नाम हो चुका है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर मतलब सिर्फ एक नाम ही काफ़ी है, जो है बादशंस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ यहाँ के ऑनर से। सर बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल के ऊपर, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत। सर जरा बताएं एक बार हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में, फिर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि आज की डेट के अंदर हमारे जो युवा इसे देख रहे हैं उनके अंदर जोश बढ़ देगी बिजनेस करने का, कि भैया कम पूंजी से कम पैसे से अपना व्यापार खड़ा करना और भैया इस इतने बड़े लेवल तक ले जाना कि जो टीवियों के अंदर और भैया हर जगह बस छाया हुआ है। सर देखिए, ये तो सब कस्टमर्स की देन है, मेहनत है, लगन है। क्योंकि देखिए, कोई भी बिजनेस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम लोग कहें कि मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया और मैं कल इसको मैं अरबपति बन जाऊं, ऐसा नहीं होता है। बैटसन ये ब्रांड हमारा 30 साल पुराना ब्रांड है। स्टार्टिंग बताएं सर, एक बार अपनी स्टार्टिंग। सर हमारा, मैं अगर आपको, बड़ी मजेदार स्टार्टिंग है, 30 साल पुरानी बात है। जब मैं नया नया यंग था बिल्कुल, मेरा बड़ा शौक था काम में आगे आने का, तो मैंने अपने फादर को बोला कि हमने शर्ट्स का बिजनेस चालू करना है जी। तो उन्होंने मुझे प्रमोट करने के लिए बहुत मुझे पुश किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा करो आप। तो मैंने उस समय पर अपना ये ब्रांड बादशन रजिस्टर्ड करवाया और मैंने काम शुरू किया। उस समय पर हमारा लगभग रोज 50 पीस, 40 पीस, 100 पीस की सेल होती थी। तो एक बार हमारे यहाँ पर ऐसी 100 पीस की सेल हुई, तो मेरे फादर मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा बस यार 100 पीस रोज सेल होगी तो हमारे को और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊं। तो आज करते करते 30 साल के अंदर, क्योंकि देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आज 100 पीस जब मैंने उस समय पर मेरे फादर ने सोचा था, तो आज मैं रोज 5,000 से 7,000 पीस प्रोडक्ट करता हूँ, इसको प्रोड्यूस करके ऑल ओवर इंडिया 20,000 पिन कोड पर माल देता हूँ। कई स्टार्टअप हमारे पास आते हैं जो हमसे एक बड़ी छोटी सी पूंजी लेकर के आते हैं। हम पहले उनको ऐसे ही नहीं है कि हमारा मकसद ये नहीं है कि कोई आया और उससे पैसे लिए और उसको माल दिया। बिल्कुल, पहले हम उसकी पूरी बात सुनते हैं कि वो व्यक्ति काम कर पाएगा, कैसे काम कर रहा है। क्योंकि मेरे पास आज की डेट में 800 से ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप है जो बिल्कुल नए, बिल्कुल फ्रेश है, और वो काम कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनमें से कुछ स्टार्टअप तो मैं आपको बताऊं आज की डेट में लाख लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं। क्या बहुत बड़ी बात है सर, लेकिन 800 में से कोई एक स्टोरी शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। मैं आपको बताऊं, एक कस्टमर हमारे पास, कई ऐसे, एक तो नहीं बता सकता, कई ऐसे यंग लड़के हैं जी जी, जो कि हमारे यहाँ पर आने के बाद 20-50 पीस पहले उन्होंने स्टार्ट में ले जाना शुरू किया, अपने एरिया में ले जाके अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए उन्होंने जी। उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर उन्होंने सैंपल्स डाले हमारे यहाँ पर। हमारी टीम इतनी डेडिकेटेड, हमने अपनी टीम को प्रिपेयर किया हुआ है कि कोई भी स्टार्टअप अगर हमसे सैंपल्स भी मंगाता है तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, अपना कोई चार्ज नहीं होता, डिजिटली पूरे पीडीएफ फोल्डर्स में अपनी वेराइटीज के शूट हम उनको देते हैं। फिर वो उस पीडीएफ फोल्डर्स को अपने एरियाज के रिटेलर्स में, दुकानदारों में अपना सर्कुलेट करते हैं, उनके ऑर्डर लेते हैं। आज की डेट में मेरे पास ऐसे ऐसे स्टार्टअप हैं, एक एक पार्सल एक एक वीक में मंगाते हैं 150 पीस का। क्योंकि हमने उन्हीं स्टार्टअप के लिए ये सर्विस शुरू की थी कि उनको बहुत प्रॉब्लम थी कि सर हम एक पार्सल लेने के लिए मैं केरला से यहाँ आऊँगा, मेरा खर्चा बहुत हो जाता है। तो हमने कहा था आपको आने की जरूरत नहीं है, आप ऑर्डर लगाइए, पेमेंट डालिए, हम माल आपके पिन कोड तक आपको डिलीवरी देंगे, आपका आने जाने का खर्चा भी बचेगा, आप अपना काम भी स्मूथली कर पाएंगे। तो वो कस्टमर्स हमारे स्टार्टअप आज की डेट में वहीं बैठे बैठे ऑर्डर लगाते हैं, आगे से वो ऑर्डर लेते हैं, उन लोगों को वो माल सप्लाई करते हैं या अपने वहाँ पर रिटेल्स में भी वो माल बेचते हैं। तो वो बहुत अच्छे से डेली 10-12 पीस भी अगर एक स्टार्टअप बेच रहा है तो आप मान के चलिए 150-200 रुपए एक पीस में कमाता है, तो वो 2,500-2,500 रुपए डेली एक दिन की कमाई, जिसको जिसका कुछ काम धंधा नहीं था, रोजगार नहीं था, वो आज डेट में 2,500 रुपए दिन के कमा रहा है, एक दिन में कमा लेता है। तो वो आप मान के चलिए महीने के 300 दिन अगर वो लगन से काम करता है तो 50-60 हज़ार रुपए तो बहुत आराम से कमा रहा है। और मैं आपको ऐसे स्टार्टअप दे सकता हूँ जो कि मेरे यहाँ से माल लेकर के जाते हैं, आज लाख लाख रुपए महीना भी कमाते हैं। क्या बात है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, कोरोना के लॉकडाउन के बाद एक
बिजनेस गारमेंट्स का ही ऐसा है क्योंकि जो कि हम पहले से सुनते आए थे, रोटी कपड़ा और मकान। अगर आदमी की सबसे पहली जरूरत रोटी होती है और सेकंड नेसेसिटी कपड़े की होती है, तो अगर आने वाले टाइम में भी अगर आप कभी भी मानेंगे कोई बड़ी से बड़ी आपदा आ जाए, लेकिन रोटी के बाद अगर सबसे ज्यादा बिजनेस अगर जो बड़ा फास्ट ग्रोइंग रिकवर हुआ है वो हुआ है गारमेंट्स का बिजनेस, और वो भी एक ही शर्त पे हुआ है, जिसने क्वालिटी मेंटेन रखी है, अपनी वैरायटी मेंटेन रखी है, कस्टमर्स ने आगे बहुत अच्छा पैसा कमाया है। ऐसे लॉकडाउन जैसी महामारी में भी लड़के बहुत अच्छा माल बेच रहे हैं और बल्कि पहले से ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि आज ऑनलाइन का दौर है। कस्टमर्स को भी आगे, रिटेलर को भी घर बैठे सुविधाएं चाहिए, तो बैचसन ने आज उनको हर तरह की सुविधाएं पिन कोड तक उनको डिलीवरी देने की, और आगे उन लोगों ने भी ऑनलाइन माल बेच करके लोगों को होम डिलीवरी एक एक दो दो पीस डिलीवरी देते हैं, और वो शाम तक 10 पीस भी डिलीवर करते हैं, 2,000-2,000 रुपये कमाते हैं। बिल्कुल भैया, शर्म तो करनी नहीं बिल्कुल भी। अगर आप चाहते हैं बहुत ही कम पूंजी से मात्र 10-20-50 पीस लेकर जाएं इनके पास से, जैसे कि सर ने बताया जिन्होंने अपना स्टार्टअप करा है, लोगों के पास गए, दिन की 15-20-50 शर्ट भी बेच दी, तो भैया दिन के कम एक शर्ट पे 150-200 रुपये ही बचा रहे, तो 3,000 रुपये आपकी दिन की कमाई है। और सर आप मतलब कुछ मतलब कोई जब आपके पास कोई आता है जिसको थोड़ी सी कम नॉलेज होती है, तो यहाँ पर जैसे कि आपका स्टाफ है, आप है, वो आपसे मिलता है तो उसे पूरी जानकारी देते हो, बताते हो कि भैया इस तरीके से स्टार्ट करो। हम किसी भी स्टार्टअप को ये नहीं है, हमारा मकसद ये नहीं होता कि कोई स्टार्टअप सिर्फ माल बेचना, खाली ये माल बेचना हमारा मकसद नहीं होता, क्योंकि स्टार्टअप जो भी आता है बहुत भोला होता है, उसको कोई नॉलेज नहीं होती है। पहले हम उस स्टार्टअप से पूरी बात करते हैं, उसको समझते हैं, अगर हमें लगता है कि ये स्टार्टअप ये बंदा काम नहीं कर सकता तो हम उसको माल नहीं देते हैं। अच्छा जी, ये भी ये चीज भी आप जज करते हैं? बिल्कुल जज करनी पड़ती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, आपने अगर बोला है तो मैं बताना चाहूंगा। मेरे पास अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में एक कस्टमर आया, वो किसान था जी, वो अपने एरिया में आंध्रा में किसानी करता था। ओके, वो आ गया मेरी वीडियो देख करके और वो आकर के बोला सर ये पैसे पड़े, उसने मेरे आगे 1,00,000 रुपया रख दिया और उसने कहा मुझे माल दे दो। बिल्कुल, लेकिन मैंने उसकी पूरी बात समझी, देखी, मैंने कहा ये किसान आदमी है ना, अभी भाषा से भी, बात करने से भी, कस्टमर को आगे समझाने, क्योंकि इस काम को करने के लिए कस्टमर को समझाना भी पड़ता है, बिल्कुल सही बात, उसको सेल्समैनी भी दिखानी पड़ती है, वैरायटीज के बारे में भी बताना पड़ता है, उसको कोई नॉलेज नहीं थी। आप यकीन मानेंगे हमने उसको बामुश्किल, बड़ी मुश्किल से हमने उसको हाथ जोड़ के उसके पैसे उसको वापिस दे करके उसके घर भेजा। बकायदा वो बेचारा एक दिन से कुछ खा के भी नहीं आया था, उसको फिर भी हमने उसको वापिस स्टेशन तक छुड़वा के उसको वापिस भेजा। हमने कहा भैया आपकी बहुत मेहनत की पूंजी है, आप ये काम नहीं कर पाएंगे। तो मतलब मेन मकसद बैचसन का बताने का ये है कि हम लोग पैसा कमाना हमारा मकसद, माल बेचना सिर्फ मकसद नहीं है, पैसे कमाना कि भैया यहाँ पर आए आपने माल खरीदा उसके बाद ये भूल गए। भैया इन्होंने जैसे कि देखा, कौन ऐसा मतलब दुकानदार होगा कि भैया 1,00,000 रुपये वाला काम माल को मना कर दे, लेकिन इन भैया को पता है कि भैया पैसे की वैल्यू क्या है। ये भैया माल भी उसी को देते हैं जो इंसान अगर अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे कुछ मिलना चाहिए। इन्होंने देखा कि भैया ये इस वक्त नहीं कर सकते और इतना पैसा लगाना 1,00,000 रुपये एक किसान के लिए भैया बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने उनसे कहा कि पहले अपने आप को इम्प्रूव करा जाए, अपने आप को देखा जाए जिस तरीके से, क्योंकि भैया इसके अंदर आपको भाषा की शैली चाहिए, जैसे कि सर ने कहा सेल्समैन की शैली चाहिए, हर एक चीज के अंदर अगर आप निपुण है भैया और आपके पास पैसा है आप लगाते हैं तभी भैया कुछ ना कुछ आप इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। अगर आप भैया, मैं हम नहीं कहते 1,00,000 रुपये लगाओ, 2,00,000 रुपये लगाओ, मुश्किल से 5-10,000 रुपये भी अगर कोई लगाता है, 5-10,000 रुपये भैया सर कोई भी लगा सकता है। आज की डेट में ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़के, ऐसी मतलब लेडीज हाउस वाइफ हैं जो अपने सैलून से, कोई मेरे पास ऐसा कस्टमर भी है जो अपनी केमिस्ट शॉप चलाता था, उसने अपने उसी में ही साइड पे एक डिस्प्ले शर्ट्स की रखी, वो बहुत हैप्पी है, कहता है सर मेरे यहाँ डेली 5-10 पीस एड ऑन हो गई है मेरे यहाँ से। अच्छा जी। मैं डेली 1,500 रुपये इससे भी अलग कमा लेता हूँ। मेरे पास किराने की दुकान वाले, अच्छा जी, मेरे पास राशन बेचने वाले, मतलब मेरे पास सैलून चलाने वाली लड़कियां, ऐसी लेडीज हाउस वाइफ है जो अपने घर पूरा दिन फ्री रहती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लिए उन्होंने, अपनी फ्रेंड्स को सैंपल सर्कुलेट करती हैं, चाहे वो 2-4 पीस भी रोज बेचती हैं, वो कहती हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को रोज 500-700 भी बचते हैं ना, तो हमारे लिए कोई बड़ी बिल्कुल सही का। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, भैया इनके सभी प्रोडक्ट्स के अंदर डबल से ट्रिपल का मुनाफा आप कमा सकते हैं। ये जितने भी, क्योंकि ये किसी को सिंगल पीस नहीं देते, रिटेल में डील नहीं करते, होलसेल में डील करते हैं सिर्फ और सिर्फ, जो कि भैया आपको माल देते हैं जो लोग ब्रांड पहनते हैं ना भैया, उसकी टक्कर का माल, और प्राइस रहता है भैया बहुत ही लो।
सर अगर जो इतने भी अपने प्रोडक्ट हैं इनकी क्वालिटी चेक कर सारे ब्रांड वाले टक्कर के हैं सारे, सर, के सारे। मैं एक ही बात कहूंगा कि बैचसन का एक ही मोटिव है कि अगर आज आप किसी मॉल के अंदर किसी शोरूम में जाकर के किसी भी ब्रांड का माल अगर आप उस पीस का रेट अगर 2500 रुपए या 3000 रुपए रेट देखते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का युवा बहुत एम्बिशियस है, वो चाहता है, उसकी इच्छा तो है वो 3000 रुपए वाला पीस लेने की, लेकिन उसकी जेब में पैसे होते हैं 800-1000 रुपए। बिल्कुल, हमारा मकसद है कि हर मिडिल क्लास दूर दराज कस्टमर, चाहे वो किसी तहसील कस्बा तालुका का रहने वाला हो, हम उसके घर तक उसके पिन कोड तक एक रिटेल में भी कस्टमर्स आगे उनको माल दे तो एक उस क्वालिटी का दे कि वो किसी मॉल में जाकर के या किसी उसमें मार्ट में जाकर के वो पीस देखे तो वो बड़ा फक्र महसूस करे कि हाँ मैंने बैचसन का ये पीस यहाँ से लिया है और वहाँ से 3 गुना रेट पे ये माल मॉल में या मार्ट में बिकता है। सही बात कही। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, बैचसन कोई छोटा मोटा नाम नहीं है भैया, इतना बड़ा नाम है। आप इसे सिर्फ गूगल पे लिखेंगे, ये आपको प्ले स्टोर, ट्विटर, फेसबुक, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं या जो भी रेप्यूटेड आप देखते हैं वहां पर सिर्फ आपको नाम लिखना है, बैचसंस टॉप पे मिलेंगे हमारे सर। सही कह रहा हूं सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं सर ने जितनी अच्छी जानकारी आज आपको दी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, आप सबको इंस्पायर हुए होंगे कि भैया आज से 30 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट करा था और आज की डेट के अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ करी है कि भैया हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 20,000 पिन कोड्स के ऊपर माल दे रहे हैं, घर बैठे दे रहे हैं। ये कहते हैं हम कुरियर भी फ्री देंगे अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, अगर आप इनकी शॉप के ऊपर आते हैं, इनके शोरूम के ऊपर आते हैं तो भैया यहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाती है अच्छे तरीके से। इनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, इनका मकसद है कि हमारा जो युवा है वो आत्मनिर्भर बने। से कह रहा हूं बिल्कुल, चाहे वो युवा हो या लेडीज हो या लड़कियां हो, मतलब अगर वो जुड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्लस में ही रहेंगे, माइनस वाला कोई काम नहीं। बिल्कुल सही बात है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं यार इस वाली वीडियो ने आपके अंदर खूब जोश भरा होगा और प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। पूरा एड्रेस नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, एक बार इनके पास आ जाओगे तो भैया बहुत ही बेस्ट रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, राम राम।